हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए वीडियो पर। दोस्तों, आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो पर बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आप लोगों को दिल से थैंक यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने प्रिंटर को जो कि बहुत दिनों से यूज़ करते, इसमें अंदर में काफ़ी डस्ट या कहें तो जाला टाइप का हो जाता है, उसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपने प्रिंटर के इस पैनल को खोलना होगा और यहाँ पर हमें दो नट मिले, एक नट इस साइड में और एक नट इस साइड में मिलते हैं। तो दोनों नटों को हमें खोलना होगा जिससे कि हमारा ये स्कैनर वाला पैनल ऊपर हो जाए और हम प्रिंटर को खोल सकें। तो इस नट को हम पहले खोल लेते हैं। नट को खोलने के बाद आपको क्या करना है, ये इसके स्कैनर के पार्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, अपने आप उठ जाएगा और देख सकते हैं अंदर में कितना डस्ट है, कितना झाला लगा हुआ है। इस सब को हम जो है सो अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि कोई गलती ना हो, कोई वायर कहीं से छूटे ना। सो देख सकते हैं आप लोग इसमें कितना डस्ट लगा हुआ है, पूरा एकदम यहाँ पे देखिए इसके हेड में भी पूरा एकदम जाला जाला लग गया है। तो सभी को हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे और सबसे पहले इसके जो वायर हैं स्कैनर सेटर, उसको हम खोलेंगे। तो स्कैनर वाले वायर को हम इसे ऊपर की तरह खींचेगा तो ये खुल जाएगा, और इसमें दो वायर और है साइड में, उसको भी हम खोल लेंगे। तो दोनों वायर को ऐसे ही खींचेगा बाहर की ओर तो ये खुल जाएगा, वापस से उसी तरह उसको लगाना है। अब हम क्या करेंगे, स्कैनर के पैनल जो है सो उसको लेफ्ट साइड की तरह ऐसे लेफ्ट साइड के धकेलेंगे तो ये क्या होगा, ये खुल जाएगा। इसमें लॉक टाइप का होता है, लेफ्ट साइड ऐसे करके प्रेस करके ऊपर उठा लेना तो ये खुल जाएगा। तो स्कैनर हमारा अलग हो चुका है। अब हम प्रिंटर को जो है सो साफ़ करेंगे। तो इसके लिए हम एक ब्रश ले रहे हैं, आप भी इसी तरह का ब्रश ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं साफ़ होने से पहले किस तरह दिख रहा है, हम इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं। सो इसे हम साफ़ करते हैं। दोस्तों, जब मैं साफ़ कर रहा था तो मुझे पता नहीं था प्रिंटर में ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे जब मैं साफ़ कर रहा था तो इसको भी खोलना पड़ा क्योंकि इसमें भी डस्ट था। तो इसको मैं जब मैंने इस पैनल को खोला, लेफ्ट साइड के पैनल को जहाँ पे ये पावर ये एडेप्टर रहता है इसका, तो देखिए इसमें भी कितना डस्ट लगा हुआ है, पूरा एकदम भरा हुआ है, जिससे कि हमारा प्रिंट क्वालिटी थोड़ा ख़राब आने लगता है। सो उसको हम ठीक करने के लिए अच्छी तरह से साफ़ करने, हमारा प्रिंट क्वालिटी भी सही हो जाएगा और जो मोटर चलता है इसके गरारी पे भी मतलब ये सब नहीं रहेगा, तो इसको हमें साफ़ करना है। तो देख सकते हैं जब मैंने इसे खोला तो यहाँ पे वायर इसका कटा हुआ था, अब जिस कारण से या तो कोई काटा हुआ होगा कीड़ा, वायर को मैंने तब तक टेम्प्रेरी जोड़ दिया है, बाद में इसको मैं चेंज कर दूँगा। सो इसे मैं दोनों वायर को जैसा है ब्लैक ब्लैक में और ये ब्लू ब्लू में, कलर से कॉम्बिनेशन सेम नहीं था इसलिए मैंने दूसरा वायर लगा दिया, और इसे दोनों को आपस में जोड़ के इसको अच्छे से टेप लगा देंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो मैंने देख सकते हैं दोनों वायर को जो है सो जोड़ दिया है और अब इसे हम अच्छे से टेप कर देंगे। अगर आपका भी प्रिंटर वारंटी पीरियड में नहीं है तो आप भी इसे खोलकर अच्छी तरह से साफ़ कर दीजिए, जिससे कि आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें दिख जाए। क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम तो हम लैपटॉप या उससे ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो हार्डवेयर में आ जाए प्रॉब्लम उसको हम देख कर ही कर सकते हैं। सो वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, मैंने जहाँ जहाँ वायर कटा हुआ था, इस बगल में भी कटा हुआ था, यहाँ पर भी मैंने टेप कर दिया है। अब देख सकते हैं मेरा प्रिंटर साफ़ होने के बाद किस तरह दिख रहा है। ब्रश से इसको अच्छी तरह से साफ़ करना, और कुछ नहीं देना, ओनली सिर्फ ब्रश से इसे साफ़ करना है। तो देख सकते हैं मैंने ब्रश से साफ़ कर दिया, मेरा ये साफ़ करने के बाद किस तरह दिख रहा है। काफ़ी गंदगी था दोस्तों इसमें, और अब मैं इसमें स्कैनर सेट कर देगा। स्कैनर सेट करने के बाद इसको हम लॉक में सेट कर देंगे। इसका एक वायर अभी तक खुला हुआ, इसको हम सेट करना है। इसे हम लगा देते हैं वायर को। दोस्तों, मैंने तीनों वायर को जिस तरह से खोला तो उसी तरह से वापस लगा दिया। अब हमें ये हमारा प्रिंटर रेडी हो गया, अभी हमें स्कैनर को जिस तरह से खोले तो उसी तरह से सेट कर देना है और इसको अच्छी तरह से लॉक में फंसा देना है, जिससे कि यह पूरा एकदम सेट हो जाए। और मैंने इसे लगा दिया है। अब यहाँ पे हमें दो नट है, उसको टाइट करने हैं। तो दोस्तों, मैंने प्रिंटर को पूरा एकदम सही कर दिया और इसको अच्छी तरह से टाइट भी कर दिया है। देख सकते हैं मेरा प्रिंटर कितना क्लीन हो गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, ऑन करेंगे। इससे पहले हम इसके पैनल को ये साइड में जो है इसको लॉक कर देंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, ऑन करते हैं सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो दोस्तों, ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा इस बार, क्योंकि हम इसे खोले थे और इसको साफ़ किए थे पूरा। ये ऑन हो रहा है और देख सकते हैं अंदर का मोटर जो है सो चल रहा है। ये थोड़ा टाइम लेगा, देख सकते हैं स्कैनर भी चेक हो रहा है, स्कैनर चल रहा है कि नहीं। सो हम आपको एक प्रिंट निकाल कर दिखा देते हैं कि कैसा प्रिंट अब आ रहा है, सही से चल रहा है कि नहीं। सो मैंने यहाँ पे एक कार्ड डाला और प्रिंट पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं ये प्रिंट दे रहा है, ये प्रिंट निकल भी गया, देख सकते हैं।
सो आप भी अपने प्रिंटर को इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।